दोस्तों, यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि बिहार सरकार के जो ऑफिशियल पोर्टल है DBT का, जिस पर भी ये सूचना जारी कर दिया गया और एक फॉर्म जारी कर दिया गया वैसे तमाम लोगों के लिए जो PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिशरी है जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं है, फिर भी वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में सभी किसानों को अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा, इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। कैसे इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और किनको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, जिसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो होगा आपको मिल सकेगा। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और पूरी जानकारी डिटेल में समझाते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। अभी हम आ चुके हैं DBTAgriculture.bihar.gov.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सूचना वाले सेक्शन में जब आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है, वैसे तमाम किसानों के लिए जो PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिशियल तौर पे भी बताया गया कि PM किसान 100% भौतिक सत्यापन हेतु कृषि सन्मयक और सलाहकार जो होते हैं उनके लिए एक जो फॉर्म है वो जारी किया गया है। अब ये फॉर्म कैसे आप डाउनलोड करेंगे, जिसके लिए आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्म आपके सामने खुलेगा, जिस पर क्लियर मेंशन किया गया है कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा ये जो सूचना है जारी किया गया है। ये जो सूचना है स्पेशल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी के लिए है। जो भी लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनका भौतिक सत्यापन हेतु ये फॉर्म भरना होगा। या अधिक जानकारी के लिए गूगल में सर्च करेंगे ऑनलाइन अपडेट stm.in, इस वेबसाइट पे भी आ जाएंगे और लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में भी देखेंगे PM किसान फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट। आप इस पे जब क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल में एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें सारी जानकारी को बताई गई है। आप चाहे तो यहाँ से भी सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि DBT एग्रीकल्चर का वेबसाइट कभी कभी स्लो होता है, जहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करने में समस्या होगी तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म में कुछ बेसिक जानकारी भरना है, जैसे यहाँ पे आप आएंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसान का जो भी नाम है उनका नाम डालना है, आपका जो भी पंजीयन संख्या होगा जो किसान रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको डालना है, और यहाँ पे बोला जाता है कि योजना का पात्रता रखने हेतु आपका जो भूमि है इतना होना चाहिए तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं, और साथ ही परिवार में एक सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि बिहार में काफ़ी सारे लोग इसका जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, अधिक लोग इसका लाभ ले रहे हैं, इसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट किया गया है। ये सब डिटेल डालने के बाद यहाँ पे कृषि सलाहकार जो होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा और जो भी कृषि सन्मायक होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। कृषि सलाहकार आपको मिल जाएगा आपके पंचायत में ही, और सन्मायक जो है आपको ये ब्लॉक लेवल पर मिलेंगे, वहाँ से आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। ये काम हो सकता है या तो सलाहकार करेंगे या आपको खुद करवाना होगा, आप दोनों में से देखिएगा, जो भी आपको सुविधा लगे अपने अकॉर्डिंग ये काम आप करवा सकते हैं। तो ये करवाना भी ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करवाते तो फिर अगली किस्त जो मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वो आपको नहीं मिलेगा। मैं आशा करता हूँ जो भी जानकारी हमने आपको दिया समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप कॉमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।